अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सर, क्या हाल है? उमर भी बैठा हुआ, बाबर भी बैठा हुआ, सारे रेड। अच्छा, दूसरा भी कनेक्ट कर लें। ठीक है, आज आपका टेस्ट भी है, दूसरा भी कनेक्ट कर लें ताकि वो स्पॉटलाइट भी हो जाएगा, दूसरा जो है नंबर से भी कनेक्ट हो जाए, आप ऑनलाइन हो जाए। सर वो उसको ज्वाइन कर ले। क्या कह रहे हैं? सर उसको अच्छा, थोड़ा साउंड को क्या, थोड़ा साउंड का मसला पेश आ रहा है, आवाज में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तो आपको आवाज साफ आ रही है मेरी? अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है साफ? हाँ जी, ठीक है, अब ठीक हो गया ना? हाँ, यस ओके। आज की कैसे आप तीनों, ठीक है? आप खैरियत से हैं? जी सर। ओके, अरशद, उमर और बाबर। यस ओके, वेरी नाइस। तो आज आपका टेस्ट है और मुझे उम्मीद है कि आपने तैयारी अच्छी की होगी। शुरू करें टेस्ट को? यस सर। जी उमर, आपसे स्टार्ट लेता हूं मैं। जी उमर, जी आप मुझे बताएं। ओके उमर, आओ, यू हैव टेल मी दैट हाउ यू कैन डिफाइन टू प्रीपोजिशंस। यस उमर, If we complete two sentence, then ओके we use preposition like ओके, in, of, on, from, for, about. ओके। क्वेश्चन वन, यस। क्वेश्चन टू आई आस्क यू उमर, यू टेल मी दैट हाउ यू कैन डिफाइन टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। If we do any work continuously in the past time, then it's called past continuous tense. What form of a verb we use? Fourth form. Yes. Further, was we use helping verbs? We use was as helping verb with pronoun or subject. He, she, it, and I. We use were as helping verb with pronoun Okay. or subject. They, we, and you. फॉर्मूला नाउ, यू हैव मेड फॉर्मूला। यस सर, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इट्स ओके, एग्जांपल। एग्जांपल ही वाज रीडिंग अ बुक। ओके ओके, राइट। क्वेश्चन नंबर थ्री, आई विल स्पीक वन टेंस एंड यू हैव टू चेंज इन अदर टेंस। ओके, ओके सर। दे आर प्लेइंग द मैच, चेंज दिस टेंस इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट यस, दे विल प्ले द मैच। ओके, राइट। आई आस्क यू क्वेश्चन नंबर फोर नाउ, यू टेल मी
that in which tense we use s or es as a helping verb. We use a present indefinite tense, me, sir. Last question I ask you. You have to change this word from Urdu to English. You have to translate five words from Urdu to English. Let us ask you. Aaj hi hujum bataein, hujum. Mob. Spelling? M-O-B. Okay. Iske baad mujhe bataein. एक लफ्ज है तेजी से, तेजी से. डू हरी. तेजी से, जल्दी से नहीं है, तेजी से. सर तेजी से नहीं करवाया, नहीं करवाया हुआ. चल लीव इट, मैं कुछ नहीं करता हूँ वर्ड को. आप नहीं सर, जल्दी करो, ये सिर्फ करवाया. हाँ ठीक है, इसको छोड़ दो. इसके बाद है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक लफ्ज है हमारे पास है बैंगन, इसकी इंग्लिश क्या है? बैंगन ब्रिंगल. स्पेलिंग क्या है? बी आर आई एन जी ए एल, ब्रिंजल. दोबारा बताओ. बी आर आई एन जी ए एल, ब्रिंजल. ब्रिंजल. इसके बाद में बताएं तीसरा वर्ड है, वह से पूछ रहा हूं मैं, वो है हमारे पास कामयाबी है. प्रोग्रेस. ओके. स्पेलिंग? पी आर ओ जी आर E double S. लास्ट वर्ड पूछूं मैं आपसे, ये भी बताएं पैदल की इंग्लिश क्या है? पैदल चलना, पैदल. On foot. Spelling? O N on F double O T foot. Okay. On foot. On foot. पांच क्वेश्चन मैंने पूछ लिया आपसे. Next बाबर. बाबर. यस सर. बाबर, हाउ यू कैन, हाउ यू कैन एक्सप्लेन टू, हाउ यू कैन एक्सप्लेन टू आर्टिकल. बाबर सर, अंग्रेजी अल्फाज को अहमियत देने और इनको खूबसूरत बनाने के लिए हम जिन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं उनको आर्टिकल्स कहते हैं. कौन से हैं वो? सर, द, ए, एन, ऑन, ईटीसी. एन के बाद भी बोला कुछ आपने? सर, ऑन, ओ एन. ओ एन, अच्छा वही बोला आपने. अच्छा चले जी, नेक्स्ट मुझे बताएं, हाउ यू कैन डिफाइन टू, हाउ यू कैन डिफाइन टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विद फॉर्मूला एंड एग्जांपल. लेट अस स्टार्ट. सर, किसी जमाने में किसी काम का जारी होना या पाया जाना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है. वर्ब की चौथी शक्ल का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के साथ, ही शी इट बतौर के साथ, इज बतौर इमदादी फेल इस्तेमाल होता है. सब्जेक्ट यानी आई के साथ आर का इस्तेमाल बतौर इमदादी फेल होता है. सब्जेक्ट या प्रोनाउन यानी वी यू दे के साथ एम का सर आर का इस्तेमाल बतौर इमदादी फेल होता है और आई के साथ एम का. एम और आर का मतलब है. इस टेंस की पहचान के लिए आखिर में रहा है, रही है इस्तेमाल होता है. सर फार्मूला,
सर फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट द्वारा बताएं सर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एग्जांपल सर ही इज रीडिंग अ बुक ओके क्वेश्चन थ्री मैं आपको सामने टेंस बोलूंगा आपने दूसरे टेंस में इसको चेंज करना है यू हैव टू चेंज इन अदर टेंस आई विल आस्क आई विल से अबाउट वन टेंस एंड यू हैव टू चेंज इन अदर टेंस ओके आई ड्रैंक वाटर यू हैव टू चेंज इन प्रेजेंट एफर्ट टेंस आई ड्रैंक वाटर चेंज इन प्रेजेंट एफर्ट टेंस प्रेजेंट कौन सा टेंस में तब्दील करना आई ड्रैंक वाटर इसको चेंज करें प्रेजेंट एफर्ट टेंस में अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है सर आई एम आई ड्रैंक वाटर चले आपको वर्किंग फॉर्म का मसला बन रहा है चले मैं चेंज माय क्वेश्चन मैं आपसे दूसरा सवाल इसी इसके इसको हटा दें इसी की जगह दूसरा सवाल पूछ रहा हूं कि आई शैल गो टू मरी को चेंज करें आप इसको चेंज करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई शैल गो टू मरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जी सर आई हैव गॉन टू मरी ओके क्वेश्चन नंबर फोर आप मुझे बताएं कि ये जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैड का इस्तेमाल किस टेंस में है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैड एच ए डी हैड का इस्तेमाल कौन से टेंस में है सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लास्ट क्वेश्चन आई आस्क यू यू हैव टू चेंज दिस वर्ड फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश यू हैव टू ट्रांसलेट These words from Urdu to English. सबसे पहले मुझे बताएं कभी कभार की इंग्लिश क्या है कभी कभार almost. दूसरा वर्ड पूछा मैं आपसे यकीनन इसकी इंग्लिश क्या है यकीनन Suddenly. स्पेलिंग क्या है यस सर सी ई आर टी ए आई एन एल वाई सर्टनली ओके तीसरा वर्ड मैं से पूछ रहा हूं तकरीबन सर तकरीबन सर उसका ऑलमोस्ट भी है अप्रोक्सीमेटली भी बताया क्या स्पेलिंग है ऑलमोस्ट के A-L-M-O-S-T. आगे मुझे बताएं नाकामी
नहीं आता सर, इसका नहीं आता जी। आखिरी वर्ड पूछ रहा हूं मैं आपसे, नई सोच सर, विजन। स्पेलिंग VISION विजन। ओके अर्शद रेडी है? यस सर। अर्शद हाउ यू कैन एक्सप्लेन टू प्रोनाउंस? सर क्या प्रोनाउन? यस मैनी टाइम we use pronoun on the place of noun like he, she, it, we, you, then and as. आखिर में क्या बोला आपने? Then and as. As? As. Okay. Next question, you have to tell me that how you can define to present perfect continuous tense with formula and example. Sir, kya dwara present perfect continuous tense? How you can define to present perfect continuous tense with formula and example? सर इस जमाना में किसी काम का माजी से शुरू होकर मौजूदा वक्त में किसी मुद्दत से जारी होना वर्ग की चौथी शक्ल का इस्तेमाल होता है सर। और हैज बीन जो है वो इमदादी तो बतौर इमदादी फ़ाइल इस्तेमाल होता है और हैव बीन आई वी यू के साथ इस्तेमाल होता है बतौर इमदादी फ़ाइल। जुमले की पहचान के लिए आखिर में रहा है नहीं रहती है सर, रहती है, रहते हैं, रहे हैं वगैरह इस्तेमाल होता है। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस फॉर सिंस प्लस पीरियड टाइम। ओके एग्जांपल ही हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर वन ईयर। ओके क्वेश्चन नंबर थ्री, आई विल से वन टेंस एंड यू हैव टू चेंज इन अदर टेंस। ओके ओके सर। आई वही ना करें आई had been I had HD I had been playing the match since morning change in you have to change in present continuous tense sir। ye jumla dobara bole aapne jo bole I had been playing the match since morning change in the present continuous tense sir I playing the match yes sir। Question number 3 yes sir sorry I asked 3 questions, question number 4 aap mujhe bataye ke hum jo hai विल और शैल का इस्तेमाल किस टेंस में करते हैं? विल या शैल का इस्तेमाल किस टेंस में करते हैं? फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस में। क्वेश्चन नंबर 5 नाउ, क्या वो चेंज ट्रांसलेट दिस वर्ड फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। मदरसा एकेडमी। ओके स्पेलिंग सर किसके? अकेडमी के। ACADEMY। ओके
दूसरा वर्ड मुझे बताएं, ये मुझे बताएं निजाम, सिस्टम। ओके, इसके बाद मुझे बताएं आप हरी मिर्च की इंग्लिश क्या है? चिली। स्पेलिंग? CHILI। ओके, इसके बाद आप मुझे बताएं कि जद्दोजहद, जद्दोजहद या मुसलसल मेहनत? मुसलसल मेहनत, पता नहीं सर। रहा था आपको मैंने जी। एक और वर्ड पूछता हूं मैं आपसे, पांचवा वर्ड है जी वो हिकमत अमली या मसुआ बंदी? नहीं मालूम सर, एक सेकंड, याद आ रहा है। सर आइडियोलॉजी। क्या था? आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी। नो नो नो। अच्छा जी, yes, अब आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया है। अब आपका रिजल्ट मैं यहाँ पर नंबर मार्क्स लिख रहा हूँ आपके। उमर के मार्क्स, टोटल मार्क्स 50 हैं। उमर के हैं 49 मार्क्स हैं, एक नंबर लूज किया इसने सिर्फ जी। बाबर, बाबर के 44 मार्क्स हैं और अरशद, अरशद के हैं 40 मार्क्स। इसका मतलब यह है उमर ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। वेल डन, वेल डन उमर, एक नंबर लूज किया इसने। और जो है 44 मार्क्स लिए बाबर ने, सेकंड, वेरी गुड। और अरशद ने 40 मार्क्स लिए हैं। अरशद बेटर? यस सर, बेटर। तो आप तीनों ने माशाल्लाह अच्छी करके दिखाई है। ऑल ऑफ यू वेल डन, मैं तीनों को वेल डन कहता हूं। ओके, लेकिन फर्स्ट पोजीशन वाला फर्स्ट पोजीशन पे रहता है, जाहिर है। सबसे ज्यादा उमर ने 49 मार्क्स लिए हैं, तो इस लिहाज से सबसे जो मैं बेस्ट कहता हूँ, फिर सेकंड पर वेरी गुड बाबर, और फिर बेटर अरशद। लेकिन एक एज अ ग्रुप आप तीनों ही वेल डन। ओके, कीप इट अप, आपने मेहनत को जारी रखें, आप स्ट्रगल को जारी रखें। आप तीनों फर्स्ट आएंगे, वो टाइम दूर नहीं है, तीनों फर्स्ट आ जाएंगे आप इंशाल्लाह। ओके, यस सर। देखें अभी आपके जो टेस्ट है ऑनलाइन, आपको थोड़ा इसका तजुर्बा भी हो गया आपको टेस्ट ऑनलाइन किस तरह होते हैं। अभी आपका जैसे ही इंशाल्लाह यकम को आपने एकेडमी आना है, पता ही आपको, ठीक है? तो आपका एक टेस्ट फिर लेना है मैंने आपका, ठीक है? ताकि हम उसको उस सिस्टम में वापस हम आ जाएंगे। जैसे पहले हमने स्टार्टिंग ली थी हमने, तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा, राइट? क्लास का टाइम आपका यही सेम टाइम है, आपको बता दें। ओके जी, क्या कह रहे हैं? यस सर। हाँ, यकम यानी कि उस तक 31 समय क्लासें ऑनलाइन चलती रहेंगी 31 दिसंबर तक। जैसे यकम जनवरी 2021 शुरू होगा, तो आपने एकेडमी आना यकम को, ठीक है ना? इसी यही टाइम आपका होगा क्लास, 3 से 4 टाइम क्लास का टाइम यही होगा। ओके, यस सर। अपनी नोटबुक साथ लीजिएगा आप, और जो काम आपने किया वो साथ लीजिएगा, ताकि उसको भी देख लूंगा मैं। तो फिर आप थोड़ा टेस्ट आपके ले लेंगे, फिर आगे चलेंगे हम मजीद, जैसे क्लास चल रही है हमारी, आगे चलती रहेगी। अच्छा, आज अब हमारा जो है आपका रिजल्ट मैं सिस्टम में उनको आगे दे दूंगा।
49 और 44 और 40 जी. आज हमारा नेक्स्ट लेसन क्या है आज हमारा सर? आज वो करा दें सिर्फ वोकैबुलरी, टाइम कम रह गया. टाइम तो अभी पड़ा हुआ है यार, आधा घंटा पड़ा हुआ है यार. आपका टेंसेस आपके हो गए थे सर? कराएं आप टेस्ट स्टार्ट करवाएं. क्या कह रहे हैं सर? ये कह रहे हैं वोकैबुलरी कराएं, टाइम कम. नहीं वो टेंस कितने हमारे, 10 हो गए टेंसेस हमारे? यस सर. चलिए कभी शुरू कर देते हैं आज, फिर उसको आप देख लीजिएगा, फिर टेंस कल शुरू कर देंगे, ठीक है ना? टेंसेस आपके 10 हो गए, टेंसेस 10 हुए ना, दो रह गए ना. यस सर. कभी शुरू करते हैं. सिल्क है, सिल्क एक वर्ड है, रेशम. सिल्क कहते हैं रेशम. लगेज कहते हैं सामान. लगेज है, इसको लगेज नहीं लगेज बोलते हैं, लगेज. लगेज है सामान. जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, हम जहां हम ट्रेन पे जाते हैं, बाय ट्रेन जाते हैं, तो हम लगेज लेके साथ लेके जाते हैं, लगेज सामान. ये पार्सल बड़ी हमारे हो गए थे नहीं हुए थे? क्यों भाई? जी सर पार्सल बड़ी हुए थे हमारे जिसम के? जी सर पार्सल बड़ी तकरीबन सारे हो गए थे. पार्सल बड़ी हो गए थे ना हमारे? हाँ ठीक है जी सर. लगेज सामान. सर ये लगेज के स्पेलिंग के? किसके? लगेज के. एल यू डबल जी, एल यू डबल जी ए जी ई, डबल जी, जी फॉर गुड, डबल जी. डबल जी है ना, मैं क्लियर लिखता हूं आपको. एल यू डबल जी ए जी ई, लगेज सामान. कस्टम, कस्टम कहते हैं रवाज. जो हमारे रवाजात होते हैं, कस्टम होते हैं, शादी ब्याह पे कस्टम होते हैं, खुशी गमी पे रवाज. सर वो जो दफ्तर है कस्टम का, वो क्या है? कौन सा? सर वो कहते हैं सामान कस्टम वालों ने पकड़ लिया इतना इतना. कस्टम, कस्टम एक होता है जांच पड़ताल, डिपार्टमेंट है ना कस्टम. दूसरा मतलब ये है कस्टम रवाज भी है, जांच पड़ताल कस्टम. अच्छा एक वर्ड होता है सिक्योरिटी. सिक्योरिटी कहते हैं हिफाजत. सिक्योरिटी हिफाजत, सिक्योरिटी लिख लिया आपने? यस सर मिटा दें. रोप कहते हैं रस्सी. रोप, रस्सा या रस्सी, आर ओ पी ई. रोप, रस्सी या रस्सा. टाई कहते हैं बांधना. टाई, टाई है बांधना. मटेरियल कहते हैं, मवाद. रॉ मटेरियल कहते हैं खाम माल.
जो बिल्डिंग बनाने के लिए कोई चीज बनाने के लिए हमें सामान चाहिए था, रॉ मटेरियल, खाम माल, फैक्ट्री में कोई चीज बनाने के लिए। सर रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। हो गया था, अच्छा अच्छा ठीक है, मटेरियल है मवाद। प्रोटीन्स ये हैं, लहमियात, ताकत की चीजें होती हैं प्रोटीन्स। ऑयल कहते हैं तेल, ऑयल, ऑयल है तेल। जी लिख लिया आपने, यस सर लिख लिया, मिटा दें। ड्राई कहते हैं खुश्क, वेट है गीला। सर ये करा दिया है आपने, ड्राई वेट दोनों हो गए थे, दोनों हो गए जी सर। हैं? हाँ जी सर दोनों हो गए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। अच्छा इसके बाद है लेवल, सर लेवल भी हो गया वह। लेवल का क्या मतलब है? हद। हाँ हद है ठीक है। एक वर्ड है इन ओल्डन, इन ओल्डन, इन ओल्डन टाइम, पुराने वक्तों में, पुराने वक्तों में। मेंशन कहते हैं जिक्र करना, मेंशन जिक्र का, मैंने मेंशन आपका मेंशन हुआ था, जिक्र, जिक्र मेंशन। मॉडर्न कहते हैं जदीद, मॉडर्न जदीद। एंशिएंट कहते हैं कदीम, एंशिएंट, एंशिएंट कहते हैं कदीम, पुराना। कदीम पुराना, इन ओल्डन टाइम पुराने वक्तों में, मेंशन मॉडर्न एंशिएंट। शीन की आवाज है एंशिएंट। कितने वर्ड हो गए आपके पास, लिख लें आप। सर ये मॉडर्न के बाद क्या लिखवाया इंग्लिश में? एंशिएंट, ए एन, ए एन, एन फॉर नेशनल, ए फॉर एप्पल, एन फॉर नेशनल, सी फॉर कैट, आई फॉर इंटरनेशनल, ई फॉर एलिफेंट, एन फॉर नोस, टी फॉर टैलेंट, एंशिएंट, एंशिएंट। ओके कदीम, एंशिएंट कदीम पुराना। सुभान अल्लाह डन। कितने वर्ड हो, कितने वर्ड आई नोटेड यू, नाउ यू हैव टू काउंट दीज वर्ड्स। हाउ मेनी वर्ड्स आई नोटेड यू,
उमर कितने वर्ड हो गए हैं सर जी? दो रह गए, 13 हो गए। फोर्ट है कला, ओके। फोर्ट कला, फोर्ट कैनन कहते हैं तोप, कैनन सी ए डबल एन ओ एन, कैनन है तो पुराने वक्तों में जो कैनन यूज होती है वार के लिए, कैनन तोप। फिफ्टीन वर्ड्स बहुत है आज के लिए आपके पास। या आपने मुझे वोकैबुलरी में मुझे तीन मर्तबा करके भेजनी है, मुझे होमवर्क तक भेजते हैं मुझे, ठीक है? इंशाल्लाह कल आप शुरू करेंगे आगे नया टेंस और वोकैबुलरी आगे, ठीक है? कुछ सवाल तो नहीं है? उमर, बाबर जी सर लिख लिए सब कुछ, कोई सवाल तो नहीं है आज? नो सर। ठीक है, फिर क्लास को मैं खत्म करते हैं, फिर कल इंशाल्लाह, कल आपकी क्लास पूरे टाइम की होगी इंशाल्लाह, तो कल टेंस भी आप करेंगे, ठीक है ना? टेस्ट था वैसे, दिन था वैसे भी आज, तो ये भी साथ हो गया, अच्छा हो गया, ठीक है? तो वी आर मीट अगेन इंशाल्लाह टुमारो, ओके? सो क्लास इज गोइंग टू एंड नाउ, ओके सर, विश यू आर गुड लक, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।